सो अब रह जाता है फिजिक्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके लिए. टेल अस मोर अबाउट फिजिक्स की तैयारी आपने कैसे की थी, सिंस इट वॉज योर वीक पॉइंट, उसको आपने कैसे ओवरकम किया? एक तो मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी फॉलो करना. मैंने ट्वेल्थ में आके एनसीईआरटी पढ़ना चालू करी थी फॉर फिजिक्स. ओके. केमिस्ट्री बायो में पढ़ रहा था मैं, फिजिक्स में इतनी सिंसियरली नहीं पढ़ रहा था इलेवंथ में. तो स्टार्टिंग से ही उसे फॉलो करना थोड़ा बोरिंग लग सकता है स्टार्टिंग में, बट जब साथ में कुछ थ्योरी पार्ट और क्वेश्चंस पार्ट करोगे तो उसको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. जो पीछे ब्लू बॉक्सेस और समरी वगैरह वाला पार्ट है एनसीईआरटी में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, तो उसे अच्छी तरह रीड करना. वो एम्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एआर सेशन रीजन, एंड नीट में भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं उससे. और तो अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है देन सिंसियरली फॉलो द कोचिंग मटेरियल, और ज़्यादा बुक्स मेरे हिसाब से नहीं रेफर करनी चाहिए. सबका अपना अपना व्यू होता है और ब्रेन कैपेसिटी होती है. अगर किसी का बहुत अच्छा है कि वो आराम से कवर कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली बुक्स कर सकते हैं, लाइक एच सी वी डी सी पांडे जो भी बुक्स आती हैं. बट जो नॉर्मल जो मेजॉरिटी एवरेज बच्चे हैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई एक बुक जिसमें नीट लेवल के क्वेश्चंस हों लाइक डी सी पांडे, एच सी वी फॉर थ्योरी कर सकते हैं, इन्हें ही प्रैक्टिस करना चाहिए. ज़्यादा बुक्स मैंने कभी रेफर नहीं करी थी, तो मैं तो रिवीजन ही करता था एक ही बुक, जैसे एक टॉपिक को ही बार बार पढ़ता था. तो बहुत और डाउट्स नहीं छोड़ने चाहिए फिजिक्स में. कभी मत सोचना कि मेरा डाउट बहुत सिली है, मैं क्या पूछूं, तो पूछ के आइए. और अगर नहीं समझ में आए तो बहुत क्लियरली क्वेश्चन करें, क्योंकि किसी और के लिए तो पूछना नहीं है, खुद के लिए पूछना है. तो इसमें रह जाते हैं कि पूछे कि नहीं पूछे, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगा उसमें. तो इस पे मैं एक चीज़ से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि किसी एस्पिरेंट ने हमारा पूछा था कि अगर जैसे कोई कोचिंग नहीं जाता है और तब उनको कोई डाउट आती है तो हाउ डू दे क्लियर दैट डाउट? थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आएगा इसमें, बट काफ़ी डाउट्स तो स्कूल लेवल पर भी क्लियर हो सकते हैं. ओके. और अगर ऐसा कुछ है तो काफ़ी, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ नेट का ज़्यादा यूज़ इन द टू ईयर्स, बिकॉज काफ़ी मिसयूज हो जाता है. हाँ, मेरे हिसाब से. तो अदरवाइज जो काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है लाइक ऑन योर वेबसाइट और ऑन योर अदर चैनल्स, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं. बुक्स में काफ़ी बुक्स काफ़ी बेनिफिट, जिनके पास कोचिंग नहीं है उनको एक रेफरेंस बुक रखनी चाहिए, और कोई मटेरियल नहीं उनको एक रेफरेंस बुक रखनी चाहिए जिससे उनके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए, बिकॉज ऑलमोस्ट सब बुक्स में क्वेश्चन सिमिलर ही होते हैं. तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. एक अच्छी बुक फॉर नीट एंड एम्स लीजिए और उसमें काफ़ी उसको अच्छी तरह रीड करें. कभी भी सोल्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नहीं हुआ तुरंत सोल्यूशन के लिए पीछे भागें. नहीं, फिजिक्स में ट्राई करना चाहिए. मेरे साथ गलती रही, मैंने स्टार्टिंग में नहीं हुआ तुरंत नहीं हो रहा करके छोड़ दिया, बट फिर वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा. तो स्टार्टिंग से ही अपना ब्रेन यूज़ करने की ट्राई करें, पूछें, फिर देखें कि क्या मैंने क्या ऐसा क्या था जो मेरी अप्रोच में नहीं था बट जिसने समझाया उसकी अप्रोच में था.